गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन. वेल डन स्टूडेंट्स, एंड टेक योर ज्योग्राफी कॉपी एंड बुक एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7. इट मीन्स जी. क्वेश्चन नंबर जी इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल. इट मीन्स स्केल के अकॉर्डिंग मैप्स के कितने टाइप्स होंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो नोट डाउन आंसर. आंसर इज फर्स्ट लार्ज स्केल. ओके, इट मीन्स मैप्स आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्केल. स्केल के आधार पर मैप्स जो हैं वो टू टाइप्स के हैं. सो नोट डाउन पॉइंट नंबर 1, लार्ज स्केल मैप्स शो अ स्मॉल एरिया इन डिटेल एज इन टोपोग्राफिक मैप्स. फुल स्टॉप. अगेन लिसन. लार्ज स्केल मैप्स शो अ स्मॉल एरिया इन डिटेल एज इन टोपोग्राफिक मैप्स. फुल स्टॉप. मिनट फीचर्स both natural and human made. Minute features both natural and human made, comma, such as trees, roads, bridges, BRIDGES, bridges mean pull, bridges, post offices, etc., can be shown on the large scale map with the help of colors and symbols. Okay, full stop. Next point, small scale maps. So note down, small scale maps show a large area but do not show much detail. Full stop. Okay, again listen. Small scale maps show a large area but do not show much detail. Full stop. World maps, continent maps, political and physical maps, comma, mineral and agricultural maps are small scale maps. Full stop. Okay, answer के बीच में एक example भी दिया गया. For example, no need to write, only understand. For example, 1 centimeter on अ मैप. इट मीन्स अगर मैप पर 1 centimeter शो कर रहा है, मे रिप्रेजेंट 200 kilometer ऑन द ग्राउंड. ओके, इट डिपेंड करता है कि आप जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसका रेशियो क्या है, किसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, 1 centimeter जो है 200 kilometer को शो करता है. रियल में एक्चुअल डिस्टेंस इज 200 ऑन द ग्राउंड बट ऑन मैप 1 centimeter. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन नंबर एट एंड एच. ओके, टोटल क्वेश्चन यू हैव, टोटल क्वेश्चन 8. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कन्वेंशनल सिंबल्स नेसेसरी. Why are conventional symbols necessary? Again listen, these questions are related to first chapter of geography. Okay students, you have written already my last video 2 questions, and before last you have written
4 क्वेश्चन. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, वो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं लिखवा दे रही हूँ. सो क्वेश्चन इज व्हाई आर कन्वेंशनल सिंबल्स नेसेसरी. कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं वो नेसेसरी क्यों हैं, आवश्यक क्यों हैं. ओके, सो स्टूडेंट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज आंसर. अ मैप रिप्रेजेंट्स, अ मैप रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ, अ मैप रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ और पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इन मच स्मॉलर एरिया. फुल स्टॉप. फीचर्स सच एज रिवर्स, फीचर्स सच एज रिवर्स, रोड्स एंड सेटलमेंट्स हैव टू बी शोन ऑन द मैप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल. फुल स्टॉप. देयरफोर कॉमा दीज फीचर्स आर डिपिक्टेड बाई अ सेट ऑफ डिपिक्टेड, राइट स्पेलिंग DEPICTED. ओके, बाई अ सेट ऑफ सिंबल्स. फुल स्टॉप. दीज सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स एज दे आर यूज एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. फुल स्टॉप. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिंबल्स इज एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग. फुल स्टॉप. ओके, लास्ट क्वेश्चन में आपको कन्वेंशनल के बारे में पूछा गया कि उसकी नेसेसरी क्यों होती है, उसकी नीड क्यों होती है. तो आंसर आपका था मैप जो है वो क्या करता है. अब मैप रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ पोर्शन, इट मींस ये अर्थ सरफेस का जो जितना भी पोर्शन है हर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, इन अ मच स्मॉलर एरिया. ओके, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, स्मॉलर एरिया. फीचर्स, उसके जो फीचर्स को शो करता है. रिवर्स, रोड, सेटलमेंट हैव टू शोन ऑन द मैप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल. ओके, लिमिटेड स्पेस होता है मैप में, बट उसमें क्या होता है, जितनी भी डिटेल्स होती हैं अबाउट एन एरिया, किसी भी एरिया के बारे में वो मैप पर शो होती हैं, और उनको शो करने के लिए हमें जो है सिंबल्स एंड कलर्स और साइन की नीड होती है, जिसको कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं. दीज फीचर्स आर डिपिक्टेड अ सेट ऑफ सिंबल्स. ओके, उसी लिए आवश्यकता होती है हमें सेट ऑफ सिंबल की. दीज सिंबल्स, और जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैप को रीड करने के लिए, उन्हीं को कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं. एज दे आर यूज्ड एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. ओके, और वो सिंबल हर जगह यूज़ किए जाते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिंबल्स इज एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग. और ये जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैप्स, मैप्स की एरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए दीज कन्वेंशनल सिंबल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो स्टूडेंट चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, एंड योर चैप्टर नेम इज, योर चैप्टर नेम वॉज, इट मीन्स आपका कंप्लीट हो गया ना. तो आपके चैप्टर का नेम क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ग्लोब्स एंड मैप्स. ओके, सो स्टूडेंट वेल डन, वेरी गुड. और लाइव क्लास आप कॉन्टिन्यू लेते रहिए. बुक्स अभी तक परचेज नहीं की बेटा, बुक्स परचेज कर लीजिए. ओके, क्योंकि आप लाइव क्लास भी लेंगे तो आपके पास कंटेंट्स होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ से मैं कुछ भी आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना ज़रूरी है. और कंटेंट्स कैसे होगा, जब आपके पास बुक्स होगी. सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योर सेल्फ.